हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का मैंने सारा, मतलब जो होता है ना मॉर्निंग वाला काम, वो सब मैंने कर लिया है। और अभी मैं चाय वगैरह भी पी ली हूँ, तो बस मैं अभी ना आलू और परवल की सूखी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो उसे कट करके धो के कट कर लिया है, और कट करके अभी मैं डालने वाली हूँ थोड़ा। मतलब सुबह सुबह ना बहुत जल्दीबाजी रहती है सबको जल्दीबाजी रहती है। तो बस हम जल्दी जल्दी मैं छौंक दे रही हूँ। और बच्चे लोगों को क्या होता है ना कि स्कूल वगैरह जाना रहता है इसीलिए। और ऐसे भी सुबह का टाइम आजकल इतना छोटा दिन हो रहा है कि मतलब तुरंत 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 मतलब टाइम पार हो जाता है। कैसे टाइम पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाता है। तो बस ये सूखी वाली सब्जी में मैंने मसाले डाल दिए हैं, जो हमेशा डालती हूँ बेसिक से मसाले हैं, जीरा गोलकी यही सब, मतलब धनिया वनिया जो भी है वही सब मैं डाली हूँ। और बस ये वाला सब्जी ना अच्छा लगता है मेरी बेटी को, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ और उसे बहुत पसंद है ये वाला सब्जी, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो दोस्तों मेरी मतलब कि सब्जी बन गई है, और उसके बाद मैं ना क्या कहते हैं नाश्ता निकाल दे रही हूँ। तो पराठे मैंने बनाया है, और पराठे और सूखी सब्जी और अचार भी है, तो अचार भी पराठे के साथ, तो अचार अच्छी लगती है। और ये देखिए तो टेस्टी सा अचार है, बहुत टेस्टी है। और फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर लंच भी बनाना है। तो हम देखिए दोस्तों, हम लोग दोनों पति पत्नी को छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके छोटी छोटी मोटी खुशियां हम लोग के पास होती है। और नहीं तो फिर हम लोग को बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है कि ऐसा ही करना पड़ता है। और मैं भी देखिए अपना संघर्ष कर रही हूँ, यूट्यूब खोल के यूट्यूब चालू की हूँ, अपना चैनल चालू की हूँ, तो मैं भी मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हूँ दोस्तों। कामयाब तो आप लोग के सपोर्ट आप लोग करिएगा, तभी मैं होंगी आगे बढ़ूँगी। और ऐसे तो मतलब नहीं आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि मतलब क्या कहें, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो तो कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो शाम कर रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ, तो जा रही हूँ टेलर की दुकान, वहाँ से मेरा सूट लाना था, तो अभी मैंने लाया नहीं है। थोड़ा सा उसका गला बड़ा हो गया था, तो मैंने दिया था उसे ठीक करने के लिए, तो अभी हाल फिलहाल में ही सिलाया था। और अभी हो गया शाम का टाइम, 5 बज गया है, तो इसलिए मैं ठंड भी लग रहा था, तो स्वेटर भी मैंने डाल लिया है। तो अभी जा रहे हैं, जाते हैं और फिर थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, क्योंकि नज़दीक ही है इसलिए। तो बस चलते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। उसका गला पता नहीं ठीक है, और नहीं पहले मैं बोलूँगा लूँगा बात किया हूँ, इसलिए अभी अंधेरा नहीं जाएगा ना। अभी शाम जैसा ही मैं लूँगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, देखो अंधेरा होने ही वाला है, इसलिए तो मैं आ गई हूँ दोस्तों वहाँ से। और आके अभी अभी मतलब जल्दी ही आ गई हूँ, बस आ गई हूँ दोस्तों वहाँ पर से कपड़े लेके। तो मिल गया था सूट, अभी सूट मिल गया था, आइए देखिए इतने हैं। और नाप के मैं अभी नहीं देखी हूँ, तो अभी नहीं नापने का मन कर रहा है। अब सुबह कल देखते हैं नाप के कैसा हुआ है कैसा नहीं। तो बस गला थोड़ा बड़ा हो गया था, बाकी सब ठीक था, तो देखते हैं कैसा मतलब होता है। और बस अब खाना वाना बनाएंगे सब, मतलब कि रात का टाइम तो हो गया, अभी दूध वाला भी नहीं आया है, और अभी 7 बजने वाला है, तो अभी खाना वाना बनेगा। खाने में भी सिंपल सा ही कुछ बनाएंगे, रोटी सब्जी या भुजिया इस तरह से कुछ। तो
बस, और ठंड में उतना मन तो नहीं करता है, लेकिन अभी बनाना पड़ेगा सबके लिए। तो बस चलिए, और क्या करना है, बस खाना पीना बनाना है और रात का खाना, और बस बच्चे लोग अभी टीवी देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं अपना, बस एक तो पढ़ाई कर रहा है, एक तो टीवी देख रहा है, तो अपना दोनों अपना अपना काम में लगा हुआ है। और अभी बेटी आई थी स्कूल से 4:30 बजे, उसके बाद आगे खा के और थोड़ा सा खा पी के अपना बैठी, और फिर उसके बाद अपना ये क्या कहते हैं अभी होमवर्क वगैरह जो भी रहता है सब बनाएगी अभी। और ठंड में बच्चे लोग का हालत और ख़राब हो जाता है, सुबह सुबह ही स्कूल, सुबह ट्यूशन, सब जाना पड़ता है सुबह सुबह, बच्चे लोग को बहुत परेशानी हो जाती है, क्या करें अब पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, जाना तो है ही, लेकिन दिक्कत तो हो जाता है। और चलो कोई बात नहीं है, दिक्कत आ भी, अभी बच्चे लोग दिक्कत करते हैं, फिर आगे अभी मेहनत करेंगे फिर आगे फल मिलता ही मिलता है। चलिए, मेहनत करने से फल मिलता है ये तो। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं। और उस दिन का तो वीडियो मैंने फिर नहीं बनाया था रात को दोस्तों, क्योंकि रात भी हो गया था और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो दूसरे दिन का है ये। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब, तब मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, फिर उसके बाद ना मैं अभी ना सुबह में सारा तो हो गया है काम, और अभी मैं चाय बिठाई हूँ तो ठंड लगता है, नहाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है। तो देखिए, मैं बोल रही थी कि हम लोग दोनों पति पत्नी दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि देखिए ये भी, ये दिन में भी अपना जाते हैं प्लांट काम कर, अपना जो भी होता है काम करने, और फिर ये देखिए रात को भी मतलब इनको जाना पड़ता है अपने काम से, फिर भी मतलब कि हो नहीं पाता है, अपनी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, ऐसा होता है। और ये देखिए, मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसे मतलब छौंक दिया है और बस प्याज डाल के भून रही हूँ, और गोभी या आलू कट कर लिया है, सब कुछ हो गया है, तो अब मैं उसे भून लूँगी, फ्राई करूँगी और बना रही हूँ। तो बस ये भी दिन रात लगे रहते हैं अपने और बच्चे लोग के लिए, कि आगे उन लोग पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से हो जाए और वो लोग भी अच्छे से पढ़ लिख लें, होता है ना, सब माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे लोग अच्छे से पढ़े लिखे, उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी चीज़ की थी ना हो, पर फिर भी कभी कभी होता है दोस्तों, कभी कभी ना नहीं पूरा होता है उतना, मतलब नहीं रहता है, मन तो बहुत कुछ करता है कि ऐसे अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँ, यहाँ लिखाऊँ, यहाँ ऐसे करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, तो चलिए क्या कर सकते हैं। और बस ये है, बस बातें मन कर रहा था करने का तो कर लिया। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ लिट्टी, तो सत्तू वाला जो लिट्टी होता है ना, वही छान के मैं बना रही हूँ। तो ये ना, मैं हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया था सुबह के टाइम, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मतलब रोटी, और अभी मैं बना रही हूँ लिट्टी। ये देखिए, तो लिट्टी सत्तू वाली लिट्टी लंच के लिए मैं बना दे रही हूँ, और बचेगा तो शाम में भी हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो लंच के लिए मैं बना ले रही हूँ। आज चावल नहीं बनाऊंगी, चावल खाने का किसी का भी मन नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए लिट्टी छानर, और ठंड में ना यही सब अच्छा लगता है खाने में, आप लोग को भी शायद अच्छा लगता होगा, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को भी क्या अच्छा लगता है ठंड में ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। चावल तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत कम मन करता है। गर्मा गर्म लिट्टी बनते जा रहा है, और जिसको मन है वो खाते भी जा रहे हैं, और ये ठंडा भी हो जाएगा ना, तो खाने में बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। जैसे चावल वगैरह जो भी है बाहर ठंडा हो जाता है ना, तो खाने का मन ही नहीं करता है। और कभी कभी जैसे कि कोई आ गया या फिर कुछ कारण से हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, तो बना गर्म गर्म भी खाना, ऐसे तो मैं गर्म ही बनाती हूँ, आप लोग देखते ही हो, क्योंकि मैं एकदम चावल बनाती हूँ एकदम खाने के टाइम ही, और फिर क्या कहते हैं उस टाइम ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कारण से हो जाता है ठंडा, तो मैं फ्राई भी कर लेती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जैसे इस एकदम गर्म गर्म ही, ये देखिए मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, कैसा आप, और बताइएगा कि कैसा लगा, और बहुत बहुत टेस्टी लगा। और मैं ना अभी बहुत देर के बाद खा रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। जैसे कि अभी 3:30 हो गया, मतलब सारा काम निपटा ली हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है,
किचन क्लीन हो गया, लेकिन फिर सब कुछ हो गया, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा के टेस्ट कर ही ले रही हूँ और अपने दोस्तों को भी खिला दे रही हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा और आप लोग क्या खाना चाहते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और नींबू वगैरह सब डाल के खाने मतलब बनाया है सत्तू, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर चलिए, और फिर कल से भी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और शाम के बज गए हैं 6:30। तो 6:30 बज गया है और आज मैंने लंच में चावल नहीं बनाया था, तो आज मैंने बनाया था लिट्टी। और सत्तू वाला जो लिट्टी होता ना वही, तो अभी ठंड का मौसम में मैं चावल अभी थोड़ा कम बनाऊंगी, मतलब ठंड में मैं बहुत कम, बच्चे लोग को नहीं देती हूँ क्योंकि वो लोगों की जल्दी जल्दी सर्दी वगैरह हो जाता है, और कम ही देती हूँ। घर में भी कम ही बनता है, कभी कभी बना लेते हैं अच्छा सब्जी वगैरह, मतलब टेस्टी टेस्टी रहा तो, नहीं तो ज़्यादातर मैं रोटी वगैरह ही बनाऊंगी और नहीं तो सत्तू वाली लिट्टी। और अभी ठंड ठंड का मौसम हो गया है, ठंड जैसा, तो अभी सत्तू वाली लिट्टी मिल जाए तो बात ही क्या है, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो सत्तू के पराठे, सत्तू के लिट्टी, ये सब हम लोग बहुत खाते हैं, तो बस इसलिए मतलब कि आज तो लंच में मैंने वही बनाया था, और उसके साथ मैंने चटनी धनिया पत्ता का बना लिया था और थोड़ा सा चोखा भी बनाया था। तो आज तो लंच करने में मज़ा आ गया दोस्तों, और बस लंच वगैरह हो गया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं शाम का टाइम में अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। तो चलिए, और शाम बत्ती वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया है, तो अब और आज कल बहुत जल्दी ही शाम हो जाता है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, और बस आप लोग भी बनाइए, खाइए गर्मा गर्म लिट्टी, सत्तू वाला लिट्टी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, और अभी खाने में मज़ा भी आता है ठंड के मौसम में ही सब, और गोईठा पे बनाने में तो और भी बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब हम लोग के पास तो वो है नहीं, उपले जो गोईठा जो बोलते हैं, तो वो सब नहीं जुगाड़ हो पाता, तो हम लोग गैस में ही बना लेते हैं छान के, नहीं तो कभी कभी अगर जुगाड़ हो गया तो वो भी मतलब बना के देखते हैं, कभी ट्राई करते हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।